हाय एवरीवन, तो कल हमने एमसीक्यूज किए थे, ठीक है? क्विक फैक्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन ऑफ कॉन्सेप्ट्स एटसेट्रा. आज आपको पीएसआईआर के आइडियोलॉजी पोर्शन में से, राइट, जो आपकी सारी आइडियोलॉजीज है उसके कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ. 250 to 300 वर्ड्स में रैप अप करने की कोशिश कीजिएगा. सो वी जस्ट हैव अ लुक कि आप स्ट्रक्चर्स कैसे बना रहे हैं, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं, क्वेश्चन जो पूछ रहा है क्या वो समझ पा रहे हैं कि नहीं. अगेन एज स्टेटेड यस्टरडे, क्वेश्चंस लिख के प्लीज अपनी गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दीजिए एंड लिंक नीचे कमेंट्स में शेयर कर दीजिए, सो दैट वी कैन गो थ्रू योर आंसर्स एंड कमेंट ऑन द सेम, राइट? वी कैन गिव यू रिमार्क्स अबाउट द सेम एंड देन वी कैन गिव यू शॉर्ट वीडियो ऑन बेसिक स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए था इन आंसर्स पे एंड क्या क्या इसमें इंक्लूड होना चाहिए था, मेन थ्योरीज, मेन थिंग्स, मेन कंसेप्ट क्या क्या इसके अंदर होने चाहिए थे, राइट? सो जो क्वेश्चंस हैं, ये 5 क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज इनको अच्छे से लिखेगा, राइट? फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द एंड ऑफ आइडियोलॉजी डिबेट, हाउ इज इट लिंक्ड टू द आइडिया ऑफ एंड ऑफ हिस्ट्री, कमेंट इफ द सेम होल्ड्स ग्राउंड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कंटेम्पररी पॉलिटिकल सिनेरियो. प्लीज समझिए क्या क्या पूछा है एंड उसके अकॉर्डिंगली आंसर दीजिए. सेकेंड क्वेश्चन इज, फासिज्म इज एन आइडियोलॉजी विच वॉज अ चाइल्ड ऑफ इट्स टाइम, क्रिटिकली एनालाइज द अबव स्टेटमेंट. The third question is, positive liberalism, while aiming at holistic development of the individual, may end up curtailing his liberty, his or her liberty. Elaborate. Fourth question, there exists not feminism, but feminisms. Explain if the same holds ground and how it impacts the nature and relevance of feminist ideology. Last question hai, contemporary Marxism may be seen as a movement from mature to young Marx. Comment using relevant examples. ठीक है, so please ये 5 questions लिखिए in 250 to 300 words. अभी 300 words तक का आपको liberty दिया है लिखने का, right? So formulate your answers, write what you think fits well and Google Drive पे upload करके वो link नीचे कर दीजिए so that we can go through your answers as well, right? Thank you.